हेलो एवरीवन, टैरेट विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मॉर्निंग में मैं आ गई हूँ आपके पार्टनर्स की कलेक्टिव लेवल पे करंट एनर्जीज और उनका नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या होगा, ये आज हम देखने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं गाइस। सबसे पहले हम देखेंगे मेजर अरकाना से क्या एनर्जीज चल रही हैं, उसके अकॉर्डिंगली हम क्लैरिफाई करेंगे टैरो से, और फिर हम देखेंगे कि आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या हो सकता है। प्लीज गाइड करें एंजल्स। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्ण, जय मेरे भाई। मेरे व्यूवर्स, जिसको भी सोच कर ये रीडिंग देख रहे हैं, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स की कलेक्टिव लेवल पे करंट एनर्जीज किस एनर्जी में हैं अभी इस वक्त आपके पर्सन। हैरोफेंट से रीडिंग की शुरुआत हुई है। हर हर महादेव। वी हैव गॉट शिव शक्ति, यहाँ पर टेम्परेंस की एनर्जी है। देन वी हैव गॉट द वर्ल्ड एनर्जी। टू मोर कार्ड्स। शक्ति, हाई प्रीस्टेस। वन मोर कार्ड एंजल्स। यहाँ माँ तारा की एनर्जी भी आ गई, तो बहुत ही प्योर वाइब्स हैं। बॉटम ऑफ द डेक है हर्मिट। तो एनर्जी का फ्लो अगर मैं बताऊँ तो एनर्जी कुछ इस तरह की होगी कि आपके पर्सन बहुत टाइम से इम्बैलेंस हैं। ट्रेडिशनल वे में शादी करनी है या लव मैरिज करनी है कि लव कम अरेंज मैरिज करनी है, इन चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग की एनर्जी है। आपके पर्सन के लाइफ में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो उन्हें मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा उन्हें ब्रेन वॉश करने की कोशिश कर रहे हैं, इमोशनली टॉर्चर करने की कोशिश कर रहे हैं या प्रेशराइज कर रहे हैं। लेकिन आपके पर्सन होपफुल हैं, ऐसे सिचुएशन में भी थोड़ा शांत ज़रूर हैं, किसी को बता नहीं रहे हैं कि इनके आगे की प्लानिंग क्या है, ना ही आपको बता रहे हैं ना ही थर्ड पार्टी को बता रहे हैं। बट हाँ, इन्होंने अपने मन में ये चीज़ें डिसाइड कर ली हैं कि इन्हें आगे क्या एक्शन लेना है। साइन की बात करूँ तो यहाँ पर टॉरस, सेजिटेरियस, अक्वेरियस, वर्गो, पाइसेस, ये साइन बहुत स्ट्रॉन्ग है। इसके अलावा वी हैव द वर्ल्ड एनर्जी, तो सभी साइंस हैं, बट इसके अलावा जो साइंस हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं। लेट्स क्लैरिफाई ऑल द कार्ड्स ताकि आपको और अच्छे से पता चले कि क्या एनर्जी जो मैंने पिक की है क्या वही एनर्जी है या कुछ और है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। हैरोफेंट का कार्ड क्या बताना चाहता है? मैंने आपसे कहा कि शादी को लेकर आपके पर्सन अरेंज करनी है या लव करनी है, क्या करना है, ये इन्होंने सीक्रेट रखा हुआ है। एंड वी हैव गॉट द मजिशियन, नाइट ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ कप्स। आपके लिए फीलिंग्स बहुत ज़्यादा हैं, इमोशंस बहुत ज़्यादा हैं, लव बहुत ज़्यादा है, बहुत कुछ है जो ये आपसे बता देना चाहते हैं, बट फिर भी इन्होंने अपनी ज़ुबान पर एक चेन लगाई हुई है, पूरी तरह से बंद है, कुछ नहीं बता रहे हैं। ठीक है, हाँ इतना ज़रूर बोल रहे होंगे कि आने वाले समय में सब अच्छा होगा, बट क्या ऐसा होगा, क्या करने वाले हैं, ये कुछ आपसे शेयर नहीं कर रहे। मिस बहुत ज़्यादा कर रहे हैं आपको। टेम्परेंस का कार्ड क्यों आया एंजल्स? टेम्परेंस को क्लैरिफाई किया है थ्री ऑफ कप्स, द एम्परर, नाइट ऑफ वांड्स एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स। जैसा कि मैंने कहा कि बहुत समय से बैलेंस बनाकर चलने की कोशिश कर रहे हैं कि चीज़ें अब ठीक हो जाएं, बट हो नहीं पा रही। कोई ना कोई एक है जो इनको मैनिपुलेट कर रहा है, इनको दबाव डालने की कोशिश कर रहा है, इनको प्रेशराइज करने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पर कौन है? एम्परर एनर्जी, आपके पर्सन जिसको बहुत भाव देते हैं, जिसको बहुत मानते हैं, या उनकी लाइफ में जो अथॉरिटी फिगर है, जो उनके लाइफ के डिसीजंस लेने का राइट रखता है या रखती है, वही यहाँ पर एम्परर एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। कुछ लोगों के पर्सन तो ऑलरेडी हो सकता है कि ये उनके लाइफ में एक्स्ट्रा मैरिटल हो, या कह सकते हैं कि सेकेंड मैरिज की एनर्जी हो। कुछ लोगों के साथ ये चीज़ें रेजोनेट कर सकती हैं।
तो सिचुएशन जो भी हो बट आपके पर्सन आपके साथ ही आगे बढ़ना चाहते हैं, बट अभी ये ऑन एंड ऑफ सिचुएशन में है क्योंकि ये अभी किसी से कुछ शेयर नहीं कर रहे। इवन ये बहुत ज़्यादा अगर सफरिंग में है तो ये चीज़ें भी हो सकता है ये बहुत कम आपसे शेयर कर रहे हों। द वर्ल्ड का कार्ड क्यों आया है? देखिए द वर्ड के बाद यहाँ हाई प्रिस्टेस आया, द वर्ड को हाई प्रिस्टेस ने क्लैरिफाई कर दिया है। इसका मतलब है कि आपके पर्सन को मैनिपुलेट किया जा रहा है 110%। सेम कार्ड ने क्लैरिफाई कर दिया है, दिस इज़ हाई प्रिस्टेस एनर्जी, दिख रहा है आपको, एंड दिस इज़ हाई प्रिस्टेस एनर्जी। तो आपके पर्सन इंट्यूशन की सुनकर ही एक्शन लेंगे, किसी के भड़कावे में आकर, किसी के मैनिपुलेशन में आकर एक्शन नहीं लेंगे, केयर फ्री होकर एक्शन लेंगे, बिंदास। हाई प्रीस्टेस क्यों आया है? हाई प्रीस्टेस को क्लैरिफाई किया है मून ने। मून मींस मदर और मदर फिगर या कोई फीमेल एनर्जी। कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति है जो इनके लाइफ में इमोशनली इनको मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है। कुछ चीज़ें हिडन भी हैं, जो चीज़ें सीक्रेट हैं या राज रखे हैं वो सीक्रेट्स भी अब रिवील होने वाले हैं। इसके बाद द स्टार का कार्ड है और यहाँ से नाइन ऑफ कप्स की एनर्जी है। इसका मतलब कि बहुत सारे व्यूवर्स के पर्सन कुछ ऐसा प्लान कर रहे हैं जिससे विशेस पूरी होने वाली हैं। द स्टार का कार्ड क्यों आया एंजल्स? यहाँ पर जो एनर्जी है, सबसे पहले तो किसी सिचुएशन में अगर ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, ब्रेकअप सिचुएशन है या नो कांटेक्ट सिचुएशन है या कांटेक्ट सिचुएशन है, आपके पर्सन आपको लेकर पॉजिटिव बहुत ज़्यादा है और इन्हें होप है, अभी भी होप है कि चीज़ें आगे चल के ठीक हो जाएंगी। एक बड़ा चेंज आएगा बिकॉज़ यहाँ बटरफ्लाई की एनर्जी है, बटरफ्लाई रिप्रेजेंट ट्रांसफॉर्मेशन, चेंज। तो आपके और आपके पर्सन के बीच में अगर अभी नो कांटेक्ट है तो ये मत सोचना कि सबका कॉल आ रहा है, सबके मैसेजेस आ रहे हैं, मेरा नहीं आ रहा है, मेरा पर्सन क्या मुझसे प्यार नहीं करता, ऐसा नहीं है। सबकी सिचुएशन एक जैसी नहीं होती, तो अगर 100 लोगों को आ रहा है तो 100 लोगों को नहीं भी आ रहा है, तो जिन्हें नहीं आ रहा है उन्हें सब्र रखने की ज़रूरत है। हर्मिट का कार्ड क्यों आया है, क्या बताना चाहता है? हर्मिट को काफ़ी कार्ड्स ने क्लैरिफाई किया है, लेट्स चेक। वी हैव हैरोफेंट। सबसे पहले तो शादी को लेकर ही ये साइलेंट जोन में है, बहुत ज़्यादा हर्ट हैं। इंसान जब हर्ट होता है तभी शांत होता है। मेंटल कॉन्फ्लिक्ट और थर्ड पार्टी की वजह से ये बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हैं। आने वाले समय में जैसा कि मैंने आपको पहले ही कहा था, ये सीक्रेट रख रहे हैं बट सडनली ये आपकी तरफ एक्शन लेंगे। देखिए कैसे मुस्कुरा रहे हैं, तो ये इतना मुस्कुरा रहे हैं, इन्होंने सीक्रेट रखा हुआ है, किसी को इन्होंने बताया नहीं है कि इनके मन में क्या चल रहा है, बट ये सडन क्विक एक्शन लेंगे, क्विक मूवमेंट होगा यहाँ पर, ठीक है? सो ये एनर्जीज हैं गाइस अभी इस वक्त की। जय माँ शक्ति, जय माँ तारा, जय गुरुदेव, जय ब्रह्मदेव, जय शिव शक्ति, जय राधे कृष्ण। देखते हैं नेक्स्ट एक्शन मेरे व्यूवर्स की तरफ क्या होने वाला है। नेक्स्ट एक्शन प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, इमीडिएट एक्शन मेरे व्यूवर्स की तरफ। फिलहाल कुछ नहीं, शांत रहेंगे आपके पर्सन, सॉलिट्यूड की एनर्जी है। आपके पर्सन की अवेकनिंग काफ़ी फास्ट पेस में चल रही है, स्पेशली आफ्टर 8-8 पोर्टल। और अब आप नोटिस कीजिएगा कि जैसे जैसे हम 9-9 के करीब पहुँचेंगे ना, 9 की सिंक्रोनिसिटी आपको बहुत ज़्यादा आएगी, ठीक है? वन मोर कार्ड, नेक्स्ट एक्शन। बॉटम ऑफ द डेक है 7 ऑफ कप्स। तो गाइज यहाँ पर वन नंबर इम्पॉर्टेंट है, बहुत सारे लोगों के लिए ये जो रीडिंग है ये 24 आवर्स के अंदर की एनर्जी है, वन डे। और आने वाले 24 घंटे की एनर्जी कुछ ऐसी रहेगी कि आपके पर्सन साइलेंट जोन पे रहेंगे, क्योंकि मेजर अरकाना से भी बॉटम ऑफ द डेक हर्मिट था।
और यहाँ से नेक्स्ट एक्शन में पहला कार्ड हर्मिट है। तो डेफिनेटली आपके पर्सन के कुछ ब्लॉकेजेस हैं जो हील हो रहे हैं। यहाँ पर सैक्रल चक्र और हार्ट चक्र की वाइब्रेशन है। तो अगर आपके पर्सन मल्टीपल अफेयर में थे, लॉयल थे, या अपनी लव लाइफ को लेकर कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, या अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे थे, या कॉन्फिडेंटली एक्शन नहीं ले पा रहे थे, तो ये जो एनर्जीज़ हैं ये यहाँ पर हील हो रही हैं। आपके पर्सन जिस सिचुएशन में ट्रैप्ड हैं उस सिचुएशन से बाहर आने का एक्शन लेंगे। सन की वाइब्रेशन है यहाँ पर। बहुत सारे लोगों की लाइफ में एक सडन चेंज, सडन शिफ्ट आएगा। मल्टीपल ऑप्शंस में से आपके पर्सन प्रायोरिटी डिसाइड करेंगे कौन सी सिचुएशन को इन्हें प्रायोरिटी देनी है, क्या डिसीजन होगा। देखिए डिसीजन क्या होगा, पहली बात तो ऑब्स्टेकल्स बहुत ज़्यादा हैं, दूसरी बात यहाँ जो ऑब्स्टेकल क्रिएट कर रहे हैं वहाँ पर मेजर ट्रांसफॉर्मेशन है। चूज़ किसे करेंगे, यहाँ पर स्पिरिचुअल यूनियन की वाइब्रेशन है विद सेवन ऑफ वॉन्ड्स, मतलब एक्शन लेंगे आपके लिए इस रिश्ते के लिए। तो प्रायोरिटी किसे देंगे, लव लाइफ को। पैशनेट हैं तो क्या कॉल मैसेज आएगा, सब्र रखिए। पाँच पाँच की एनर्जी है और बॉटम से भी पाँच नंबर है, 555। बहुत कुछ चेंज होने वाला है आने वाले समय में, सडन चेंज होगा, चीज़ें बहुत सडनली चेंज होंगी। आपको ऐसा लगेगा कि कुछ ना कुछ मिरेकल हो गया आपके लाइफ में, आपको जहाँ बिल्कुल होप नहीं थी वहाँ सब कुछ आपके फेवर में हो गया सडनली। तो काफ़ी लोगों के साथ ये चीज़ें होने वाली है, वो भी शादी से रिलेटेड। तो फिलहाल 24 घंटे के अंदर कुछ लोगों को कॉल आ सकता है, बट ज़्यादातर लोगों को 5 दिन के अंदर कॉल मैसेज आ सकता है जिन्हें नहीं आया है, ठीक है। तो ये एनर्जीज हैं। सैक्रल एंड हार्ट चक्रा की एनर्जी क्यों आई है, मैंने कहा ना कि ये जो ब्लॉकेजेस हैं आपकी डेस्टिनी में, जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो हील हो रहे हैं, चाहे ईगो से रिलेटेड ब्लॉकेजेस हैं, चाहे कॉन्फिडेंस से रिलेटेड ब्लॉकेजेस हैं, ये हील हो रहे हैं। तो अभी आपको पेशेंस रखना है, सब्र रखना है। अगर आने वाले 5 दिन मैक्सिमम किसी को कॉल मैसेज नहीं भी आता है तो अपने पर्सन को चेज मत करना, जस्ट लेट इट गो। एंजल्स क्या बताना चाहते हैं, काफ़ी लोगों को फाइनेंशियली काफ़ी अबंडेंस मिल रही होगी, जिसकी जिसकी नौकरी लगी है, गुड न्यूज़, फाइनेंशियल कंडीशन इम्प्रूव हुई है, कमेंट में ज़रूर बताना। एंजल्स कह रहे हैं कि आने वाला समय फाइनेंशियली आपकी लाइफ में ग्रोथ लेकर आएगा। इसके अलावा कुछ लोग ऐसे हैं जो किसी को लेकर बहुत ज़्यादा गुस्से में हैं, माफ़ नहीं कर पा रहे हैं, किसी ने आपको धोखा दिया है, तो फॉरगिव कीजिए, वरना आप अंदर अंदर घुटते रहेंगे। उसको तो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, बट आप अंदर अंदर घुटते रहेंगे, क्योंकि आपका कर्म था जो आपको फेस करना पड़ा। काफ़ी लोगों के लिए अभी का समय बहुत अच्छा नहीं है, नॉट द राइट टाइम, बट आने वाले समय में जो चीज़ें होंगी वो आपके बेहतरी के लिए होंगी। सक्सेस बहुत सारे लोगों को मिलने वाली है और बहुत सारे लोगों के लाइफ में किसी तरह की अपॉर्चुनिटीज़ भी आने वाली हैं। अपने मन में आप जो भी सोच रहे हैं, जो भी आप क्रिएट करना चाह रहे हैं, उसके लिए यस है, और एक नहीं दो दो यस है, इट्स अ डबल यस। तो इसका मतलब आने वाला समय बहुत सारे लोगों के लिए बहुत सारी ब्लेसिंग्स लेकर आने वाला है, बट अभी काफ़ी लोगों की लाइफ में चीज़ें बहुत प्रॉपर वे में अच्छी नहीं चल रही हैं। तो होप रखिए, फॉरगिवनेस में रहिए। सो ये थी गाइज आज की रीडिंग, होप आपको कुछ ना कुछ क्लैरिटी मिली हो, रीडिंग पसंद आई हो, ज़रूर लाइक करें। थैंक यू सो मच गाइज, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, बाय बाय।